हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक्सपर्ट होम ट्यूटोरियल्स पर और मैं हूं जय सिंह। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो टेंटेटिव एनुअल कैलेंडर था उसके बारे में। तो इस कैलेंडर के अंदर बताया गया है कि आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उनका जो है डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट क्या होगा, और उनका जो फॉर्म क्लोजिंग डेट है उसका क्या होगा, और जो एग्ज़ाम डेट है वो डेट्स क्या होने वाली हैं। तो जो पहला बताया हुआ है कंबाइंड जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर जो है वो 22/10/2018 को उसका जो है फॉर्म भरा गया था। डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट इसकी आई थी और ये फॉर्म भरा गया था, और इसकी जो एग्ज़ाम डेट होने वाली है वो 13/1/2019 बताई गई है, और ये एग्ज़ाम हो भी गया है। और ये एग्ज़ाम जो है CBE यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम ये होना था और ये हो चुका है। और उसका अगला जो था कि जो है जो एग्जामिनेशन फॉर सिलेक्शन पोस्ट फेज 6 2018, ये भी फॉर्म जो है 2018 में जो है फिल किया गया था, और इसकी जो डेट्स थी वो 16/1/2019, 17/1/2019, 18/1/2019, और ये तीनों जो है CBE यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम थे और ये हो चुके हैं। और अगला जो था स्टेनोग्राफर के लिए जो बताया गया था कि जो है जो ग्रेड सी और डी के लिए जो एग्ज़ामिनेशन होना था उसका फॉर्म जो आया था वो 22/10/2018 को आया था, और इसका फॉर्म फिल हो चुका है, और इसका एग्ज़ाम डेट जो बताया हुआ है 5/2/2019 से 7/2/2019 के बीच का जो है इसका एग्ज़ाम डेट बताया हुआ है, और ये भी जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होना है। उसके बाद जो है कांस्टेबल यानी कि GD के लिए जो CAPF में जो है GD के लिए जो पोस्ट आने वाली थी उसके लिए भी फॉर्म लिया गया था 21/7/2018 से लेके 20/8/2018 के बीच में इसका फॉर्म लिया गया था, और इसका एग्ज़ाम डेट जो बताया है 11/2/2019 से 11/3/2019 के बीच में कोई डेट होगी इसके एग्ज़ाम की। तो ये भी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होना है। और CAPF में ASI, CIP, SF और जो SI इन दिल्ली पुलिस यानी कि CPO SI के लिए जो जो फॉर्म बताया हुआ है वो 3/3/2018 से 2/4/2018 ये भी फॉर्म जो है लिया गया था, और इसका जो एग्ज़ाम डेट बताया है इन्होंने वो 12/3/2019 से 16/3/2019 के बीच हो सकता है, और ये भी कैसा एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। जो 2017 का जो है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2017 Tier 4 जो है उसके लिए डेट नहीं बता पाए हैं अभी तक, और इसको इन्होंने टू बी नोटिफाइड लेटर बताया है यानी कि इसका अभी डेट डिसाइड नहीं हुआ है। और कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 वाला जो एग्ज़ाम 2017 का Tier 3 होना है उसके लिए भी जो है अभी डिसाइड नहीं है डेट। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एग्जामिनेशन 2018 उसका जो टाइपिंग और जो शॉर्ट हैंड का था उसके लिए भी अभी डेट नहीं बता पाए हैं। कंबाइंड जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर इन सबऑर्डिनेट ऑफिस हिंदी प्राध्यापक एग्ज़ाम 2018 सेकेंड पेपर का जो डेट जो फॉर्म आया था उसके लिए तो कुछ भी नहीं बताया है। ये डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होना है, उसका डेट उन्होंने बताया है 26/5/2019 को, इसका डेट टेंटेटिव डेट है ये। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का जो 2018 का Tier 1 जो है उसका एग्ज़ाम जो फॉर्म इन्होंने लिया था 5/5/2018 से 4/6/2018 के बीच में लिया था, और इसका जो एग्ज़ाम डेट बताया है 4/6/2019 से 19/6/2019 तक हो सकता है। कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 एग्ज़ाम 2018 Tier 1 इसका जो फॉर्म लेंगे ये लोग 5/3/2019 से 5/4/2019 के बीच में इसका फॉर्म फिल हो सकता है, और इसका एग्ज़ाम डेट जो है वो 1/7/2019 से 26/7/2019 के बीच में हो सकता है, और ये भी जो एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। मल्टीटास्किंग के लिए जो नॉन टेक्निकल होता है स्टाफ सिलेक्शन स्टाफ एग्जामिनेशन 2019 का जो फर्स्ट पेपर है उसका जो फॉर्म का जो है एडवर्टीजमेंट का जो डेट है वो बताया हुआ है 22/4/2019 से 22/5/2019 के बीच में फॉर्म फिल हो सकता है, और इसका एग्ज़ाम डेट जो बताया हुआ है 2/8/2019 से 6/9/2019 के बीच में इसका एग्ज़ाम हो सकता है। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2018 Tier 2 के लिए कोई डेट्स अभी तक नहीं बता पाए हैं, जो फॉर्म फिलिंग क्योंकि हो ही चुकी है
तो इसका जो जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जो है वो 11/9/2019 से 13/9/2019 के बीच में इसका एग्ज़ाम हो सकता है। जूनियर इंजीनियर के लिए जो फॉर्म बताया हुआ है कि 1/2/2019 को जो है एडवर्टीज़मेंट आ सकता है और 25/2/2019 तक इसका जो है फॉर्म फिल होगा। और इसका जो एग्ज़ाम डेट बताया है 23/9/2019 से 27/9/2019 तक होगा, यानी कि इसके बीच में हो सकता है। और ये भी एक जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। SI यानी कि CPU SI का जो पेपर है 2018 वाला, यानी कि पेपर सेकंड जो इसका होता है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम ये भी है। और इसका एग्ज़ाम जो डेट बताया है 27/9/2019 को बताया है। कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 का एग्ज़ाम डेट जो बताया है वो टायर सेकेंड के लिए, वो डिस्क्रिप्टिव जो ये पेपर होना है वो 29/9/2019 को। एग्जामिनेशन फॉर सिलेक्शन पोस्ट फेज 7 2018, इसका जो एडवर्टीजमेंट डेट बताया है 8/7/2019 से 27/7/2019 तक। और इसका जो एग्ज़ाम डेट हो सकता है वो 14/10/2019 से 18/10/2019 तक हो सकता है। और ये भी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। मल्टीटास्किंग 2019 में जो मल्टीटास्किंग का है नॉन टेक्निकल पेपर सेकंड का, उसका जो डिस्क्रिप्टिव वाला पेपर है वो 17/11/2019 को हो सकता है। कंबाइंड जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का जो फॉर्म एडवर्टीजमेंट जो डेट बताई है 1/8/2019 को आ सकती है। और फॉर्म की लास्ट जो डेट है फॉर्म फिलिंग की वो 28/8/2019 हो सकती है। और इसमें जो एग्ज़ाम डेट बताई है 26/11/2019 बताई है, और ये भी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। उसके बाद जो है जो CPUSI का 2019 का जो फॉर्म लेंगे वो 17/9/2019 से 15/10/2019 के बीच में ले सकते हैं। और इसका एग्ज़ाम डेट जो है 11/12/2019 से 13/12/2019 के बीच हो सकता है। और कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम 2018 टायर थर्ड जो है वो 29/12/2019 को हो सकता है। और ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। जूनियर इंजीनियर जो है 2018 का जो सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर का जो है डेट एग्ज़ाम डेट बताया है 29/12/2019 को, और ये डिस्क्रिप्टिव पेपर ये भी होना है। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी के लिए जो बताया हुआ है वो 17/9/2019 को इन्होंने जो है एडवर्टीजमेंट डेट बताई है। और लास्ट डेट फॉर्म की जो है 15/10/2019 बताई है। और अभी इसकी जो है एग्ज़ाम डेट डिसाइड नहीं हुई है। और जो है जूनियर इंजीनियर के लिए भी जो फॉर्म की डेट बताई हुई है 1/8/2019 को एडवर्टीजमेंट आएगा और 28/8/2019 तक फॉर्म फिल होगा। और एग्ज़ाम डेट इसकी भी नहीं है। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का जो जो है 2019 का पहला जो है पहला फर्स्ट टायर जो होता है वो 31/10/2019 को इसका एडवर्टीजमेंट आएगा। और जो है फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट जो है 28/11/2019 होगी। और इसका भी जो है एग्ज़ाम डेट अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। कंबाइंड हायर सेकेंडरी का 10+2 लेवल का जो एग्ज़ाम होता है 2019 का, उसका जो एडवर्टाइजमेंट डेट है वो 12/12/2019 को बताया हुआ है। और लास्ट डेट जो है फॉर्म फिलिंग की 10/1/2020 बताई हुई है। और इसका भी एग्ज़ाम डेट अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। तो ये जो था ये जो है SSC की तरफ से जो कैलेंडर टेंटेटिव कैलेंडर जो है रिलीज़ किया गया था उसी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। और जो SSC की तैयारी कर रहे हैं बच्चे उनके लिए कैलेंडर बहुत ही जो है याद रखने की बात है कि कब कौन सा फॉर्म आने वाला है और किस तरीके से उनको तैयारी करनी है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।